गर्मियों में हमें कुछ ठंडा खाने या फिर पीने मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज की जो रेसिपी है बिना चीनी की है, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हो, और जिन लोगों को गर्मी में माइग्रेन, थकान, कमजोरी होती है, तो उसके लिए भी ये एकदम फायदाकारक रेसिपी है। तो रेसिपी को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक के लिए। नमस्ते दोस्तों, रोज नई रेसिपी के लिए फारूल फारूशाली चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर हम एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध बनाने के लिए मैंने देसी गाय का दूध का यूज़ किया है, जो कि बहुत सारे गुणों का भंडार होता है। आप अपने घर पर जो भी दूध यूज़ करते हो उससे भी ये रेसिपी बना सकते हो। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए मैंने, मान लीजिए, 1/4 कप के जितने भी भीगे हुए काजू, 1/4 कप के जितना भीगा हुआ पिस्ता, और 1/4 कप के जितना ही मैंने खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स कहते हैं, वो लिया है, और 1/4 कप के जितना ही मैंने बादाम को भिगो कर लिया है, और 1/4 कप के जितना ही मगजतरी के बीज, 2 साबुत हरी इलायची। ये नेचुरल ड्राई फ्रूट्स ही हमारे दूध को एकदम गाढ़ा और एकदम जैसे कि मिठास वाला कर देंगे। ना कोई केमिकल, ना कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट आपको कम पसंद हो उसे कम ज़्यादा भी ले सकते हो। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने आधे घंटे पहले पानी में धोकर भिगो कर रखा था, उसकी अच्छे से हमने पेस्ट कर लिए। आप देख सकते हो कि नेचुरल जो ड्राई फ्रूट की पेस्ट है ना, वही ये पतले वाले दूध को एकदम गाढ़ा कर देगी। मिक्सर के जार में थोड़ी सी पेस्ट रह गई थी, तो उसके लिए हम फिर से हमारा ये दूध जो है ना, वो मिक्सर के जार में लेकर इसमें मिक्स करके वो ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही गाढ़ी हो जाती है ड्राई फ्रूट की पेस्ट। और धीमी आंच पर ये दूध को हम गाढ़ा होने तक पकने रख देंगे। ये दूध जल्दी से ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि सारे जो ड्राई फ्रूट है ना, वो पकते वक्त जल्दी से एकदम थिक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये सारे जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, उसमें से कोई आपको एक आध कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो आप। और देखिए, दूध एकदम अच्छी मात्रा में कम हो चुका है, मतलब कि गाढ़ा हो चुका है। अब मिठास के लिए मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री ले ली है। आप देसी खांड का भी उपयोग कर सकते हो। मिश्री जो है हमारे शरीर को ठंडक भी देती है और साथ में ताकत भी देती है। आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 ही टुकड़े लिए हैं मिठास के लिए। आगे हम देखेंगे इसके लिए मैं और क्या चीज़ यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर और भी गाढ़ा हमारा दूध तैयार हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्टली हमारा दूध ये पकते जा रहा है। और नेचुरल जब दूध पकता है ना, उसमें से बहुत अपनी एक नेचुरल खुशबू आती है। जैसे मावा बनता है ना, उस तरह की खुशबू भी आने लगती है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये रेसिपी ना एकदम आसानी से बन जाती है। धीमी आंच पर ये काम करने के लिए रख दीजिए और सिर्फ बीच बीच में चम्मच से आप इसको सिर्फ मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। आप अगर नॉर्मल भैंस का दूध लोगे तो वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। इसे पकने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और एकदम ठंडा ठंडा हमारा ये गाढ़ा गाढ़ा दूध तैयार है। इसे एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। आप नॉर्मली इस तरह से भी परोस सकते हो, पर मैंने मिठास के लिए बहुत ही कम खड़ी शक्कर का यूज़ किया था। मैंने आपके साथ अभी 1 लीटर दूध से 50 मिनी रसगुल्ला की रेसिपी शेयर की थी, तो वही मिनी रसगुल्ला हम हमारे ये गाढ़े गाढ़े दूध में ऐड कर देंगे, तो मिठास भी बैलेंस हो जाएगी। और दोनों भी जो हमने चीज़ें बनाई है देसी गाय के दूध से, ये चांदी का वरक बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। तो आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और ढेर सारा प्यार के साथ आप भी ये रेसिपी बनाइए, आप भी खाइए और अपने घर पर सभी को खिलाइए। तो जल्द मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।